हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नर्सरी वाले कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि आपके पौधे में अच्छे से ग्रो हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा मिर्ची का पौधा है। इसकी ग्रोथ जो है थोड़ी रुक सी गई है और आज मैं इसमें सारे प्रकार के फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ और सबके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र नर्सरी वाले भी दे करके ढेर सारे फूल को खिला लेते हैं। आपको अगर फर्टिलाइज़र का नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको फर्टिलाइज़र के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी और कितना क्वांटिटी देना है आपको, प्रोपोर्शन देना है, कितना पौधे में डालना है, ये सब सारे नॉलेज आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा गुलदाउदी का पौधा है। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से अभी के मौसम में इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अभी ठीक से ठंड आया भी नहीं है और गुलदाउदी मेरे फूल भरे पड़े हैं। और यहाँ पे आप मेरे सारे पौधे को देख सकते हैं, मैंने कटिंग से तैयार किया है और इसकी ग्रोथ के लिए मैं इसमें फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। और आज मैं आपको सारे फर्टिलाइज़र के नाम, प्रोपोर्शन और सभी कुछ बताने वाली हूँ। आप मेरे सारे गुलदाउदी के पौधे को देख सकते हैं, मैं फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ इसीलिए इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये पहला है, ये है नीम खली। दूसरा है, ये है रॉक फॉस्फेट, ये है DAP, ये सब किसान भी यूज़ करते हैं। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और ये जो है हमारे फूले के साइज को बढ़ाता है। ये है पोटास, ये है यूरिया। यूरिया जो है हमारे पौधे में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये सारे फर्टिलाइज़र रखना ही पड़ता है अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, आप फूल पौधे के शौकीन हैं। तो अगर आप ये फर्टिलाइज़र नहीं रखते हैं तो आपके पौधे में फूल उतने नहीं आएंगे जितना आने चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये सब फर्टिलाइज़र अगर आप नहीं रखे हैं तो प्लीज़ रखिए। और ये जो DAP है, ये DAP हमारे पौधे में बहुत अच्छा वर्क दिखाती है। तो इसे देने का तरीका होता है, आपको 20 से 25 दाने आपको अपने पौधे में देने होते हैं। 20 से 25 दाने पौधे में काफ़ी होते हैं। अगर आप मिट्टी में डायरेक्ट नहीं डालना चाहते हैं तो आप पानी में घोल कर भी दे सकते हैं, लेकिन पानी में घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप पानी में घोलने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटे पहले पानी में डालना होता है। इसके बाद आपको वो पानी को ही पौधे में डाल देना होता है क्योंकि उसमें DAP घुली हुई होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं 20 से 25 दाने इस पौधे में दे रही हूँ। ज़्यादा बड़ा पौधा है तो आप 30 से 35 दाने दे सकते हैं। जैसे गुड़हल का पौधा बड़ा होता है तो उसमें आप 30 से 35 दाने दे सकते हैं, और छोटा पौधा है तो आधा चम्मच जैसे यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक पौधे के लिए यहाँ पे इतना तैयार किया है। तो इसे घुलने में टाइम लगेगा, जब ये पानी में घुल जाएगा इसके बाद पौधे में आसानी से दे देना है। और ये आपको छाँव में देना, यानी कि सुबह देना या शाम को देना है। दोपहर में कभी भी DAP को नहीं देना चाहिए, पौधे को सुखा देता है। इसलिए डायरेक्ट जैसे सनलाइट पड़ रही है उस टाइम आप कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए। अब जैसे कि ये पोटास है, पोटास जो है आपको आसानी से फर्टिलाइज़र की शॉप में मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। ये सब आसानी से अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट में मिल जाता है। तो ये पोटास जो है ये फूलों के साइज को बढ़ाता है और कलियों को गिरने से रोकता है। जैसे कलियां बनती है और गिर जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है प्लांट में। तो अगर आप ये दे देते हैं पोटास तो वो प्रॉब्लम जो है आसानी से ठीक हो जाती है। और अगर पत्तियां जैसे पीली पड़ने लगती है, इस बीमारी को भी पोटास जो है ठीक करता है। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच जैसा पोटास का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक पौधे के लिए आधा चम्मच पोटास काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और ये आपको मंथ में एक बार देना है पोटास। और ये सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो हमारे पौधे को बहुत अच्छा करती है, पत्तियों को ग्रीन रखती है। बस इसे बहुत कम देना पड़ता है, अगर ज़्यादा देंगे तो पौधे को सुखा देता है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का शीशे शीशे टाइप का दिखता है, इतना काफ़ी होता है, एक चुटकी काफ़ी होता है एक पौधे के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक चुटकी दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं
इतना काफ़ी है। तो यहाँ मिट्टी में एक जगह डाल देना है, जैसे इसमें धूप पड़ेगी थोड़ी थोड़ी तो ये पिघल जाएगी, पिघलने के बाद मिट्टी में ये ऑटोमेटिक मिल जाएगी। फिर जब आप पानी देंगे तो रिजल्ट आपको खुद अच्छा देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप इसे कोई भी प्रकार के आउटडोर प्लांट में दे सकते हैं और ये आपको 20 दिन में दे सकते हैं आप। जैसे कि 20 दिन में आप एक बार एक चुटकी एक पौधे में दे दीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो सभी के मैं टाइमिंग भी बता रही हूँ तो आप नोट करते रहिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये है एनपीके। एनपीके जो है हमारे पौधे को काफ़ी तेज़ी से बढ़ने में मदद करता है। जैसे कि अगर आप कोई भी पौधे को बीज से तैयार किए हैं, पौधा जो है जल्दी ग्रो नहीं कर रहा है, तब आप एनपीके देते हैं, पौधा बहुत जल्दी ग्रो करता है और फूल हमें जल्दी देखने को मिलता है। और ये नाइट्रोजन की भी कमी को पूरा करता है। तो एनपीके जैसे आधे चम्मच काफ़ी है, पानी में घोल के देना होता है। तो देखिए यहाँ मैंने एक पौधे के लिए तैयार किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैं दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ, इतना काफ़ी होता है। मैं देती रहती हूँ इसीलिए मैं दे रही हूँ। ज़्यादा दूँगी तो बह के निकल जाता है, इसीलिए इतना ही देना है कि मिट्टी में रहे। तो मैं थोड़ा थोड़ा दी हूँ, मिट्टी में रहेगा और रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। इसी प्रोसेस से मैं एक बार में ढेरों फूल खिलाती हूँ। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये यूरिया। यूरिया जो है वो किसान भी यूज़ करते हैं। यूरिया इस खाद जो है वो स्प्रे करने से कीड़े मकोड़े जो है वो भाग जाते हैं। यूरिया जो है आप क्या कीजिए कि स्प्रे बॉटल में आप यूरिया खाद को 1 लीटर पानी में 20 से 25 दाने को डाल दीजिए, ऑटोमेटिक ये पानी में घुल जाएगा। इसके बाद जब आप पौधे में इसका स्प्रे करते हैं तो कोई भी कीड़े हैं, जैसे ब्लैक वाले कीड़े हैं, पतंगे हैं, वो सब आसानी से भाग जाते हैं। और जैसे कि आप गुड़हल के फूल में अक्सर देखते हो कि मिलीबग का अटैक होता है, वो भी बहुत जल्दी भागता है। और इसे आप डायरेक्ट पौधे में भी दे सकते हैं, जैसे मिट्टी में आपको देना है, मिट्टी में भी आपको वर्क करना है, तो आप 20 से 25 दाने मिट्टी में भी डाल सकते हैं एक प्लांट में। अगर मीडियम साइज का प्लांट है तो 20 से 25 दाने काफ़ी है, और अगर बड़ा प्लांट है तो आप 30 से 35 दाने दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये नीम खल्ली है। नीम खल्ली जो है वो ठंडे के टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। जैसे कि अभी जाड़ा का टाइम आ रहा है, तो आप नीम खल्ली एक एक मुट्ठी अगर सारे प्लांट में दे देते हैं तो आपको और कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कीड़े मकोड़े से बचाता है, फंगस से बचाता है और फूलों के साइज को बढ़ाता है, पत्तियाँ ग्रीन रखती है। और सब्जी वाले प्लांट में भी अगर आप देते हैं तो हरी पत्तीदार सब्जियां भी बहुत अच्छी होती हैं। तो फ्रेंड्स, नीम खल्ली अगर आपको बनाने सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नीम खल्ली बनाना भी बताऊंगी, क्योंकि ये होममेड नीम खल्ली है, मैं घर पर ही बना के तैयार करती हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए दे रही हूँ, अभी यहाँ पे एक चम्मच जैसा दे रही हूँ। तो इतना अभी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में मैंने नीम खल्ली का इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैं एक चम्मच जैसा दी हूँ। लेकिन आप एक एक मुट्ठी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोई भी प्रकार के पौधे में, चाहे वो गुलदावदी का हो, मोगरा का हो, रोज़ का हो, तुलसी के प्लांट में भी आप इस्तेमाल कीजिए, पुदीना का हो, सारे प्रकार के प्लांट में इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। या फिर आप पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। आप बस 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें नीम खल्ली को अच्छे से घोल लीजिए 2 मुट्ठी। इसके बाद आप पानी देने के बजाय आप डायरेक्ट नीम खल्ली वाला ही लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप पौधे में दे सकते हैं। इस प्रोसेस को आपको सुबह या शाम करना है और हर 15 डेज में एक बार रिपीट करना है, तभी आपको कंटिन्यू फूल मिलती रहेंगी अपने प्लांट से। आपको और कुछ जानकारी चाहिए, गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स चाहिए, फर्टिलाइज़र की नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जल्दी बताने की कोशिश करूंगी। और इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर।